हेलो दोस्तों, आप सभी को माँ की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाऊंगी जो राजस्थान में फेमस है। फ्रेंड, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। इसको राजस्थान के लोग बहुत प्यार से खाते हैं। फ्रेंड, चलो दोस्तों इसको बनाना शुरू कर देते हैं। ये लिए लिया मैंने एक बड़ा सा पतीला। पतीला में डाल दिया दाल, दो छोटी कटोरी भर के मैंने दाल डाल दी है। और इसको क्या करूँगी, पहले अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लूँगी। धोने के बाद क्या करेंगे हम, बनाएंगे कुकर में नहीं बनाएंगे ना कढ़ाई में बनाएंगे, आज बनाएंगे हम बिल्कुल देसी तरीके से मटके में दाल। मटके में दाल का टेस्ट इतना प्यारा आता है फ्रेंड, बिगर मसालों के भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। सबसे पहले डाल देंगे हम दाल को। दाल डालने के बाद क्या करेंगे, लहसुन प्याज टमाटर और खूब सारा इसमें डाल देंगे लहसुन कूट के। और फिर उसमें डालेंगे पानी, 3 गिलास पानी डाल देंगे। फ्रेंड, हम ज़्यादा ना तो गाढ़ी बनाएंगे ना हम पतली बनाएंगे, हम बिल्कुल मीडियम साइज़ की दाल बना के तैयार कर लेंगे। अब मसाला डालेंगे, आधा चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, और कलर के लिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और लाल मिर्ची आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक। अब इसमें डाल देंगे लास्ट में 2 से 3 चम्मच तेल सरसों का, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करने के बाद इसको ढक के और कम से कम इसको पकाएंगे फ्रेंड आधा घंटा। आधा घंटे में धीरे धीरे पक के इतनी स्वादिष्ट दाल बनती है फ्रेंड, अगर आप इसको एक बार बना लोगे ना तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे, इतनी स्वादिष्ट दाल लगती है ये। अब ये देखो किस तरीके की ये दाल घुट चुकी है। अब इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के में लिया हमने सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरा के बाद डाल देंगे 2 लाल मिर्चियों को तोड़ के। अब ये लाल मिर्चियाँ तोड़ दी, अब मैं डाल देती हूँ ये मटकी में दाल के साथ। अब ये डाल दिया धनिया पत्ता फ्रेश एकदम, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, आप यकीन मानोगे अगर एक बार आप मटके की दाल बना के खाओगे मिट्टी के बर्तन में तो उसका स्वाद ही बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। ये देखो कितना प्यारा सा कलर भी आ गया हमारी दाल का। अब फ्रेंड इसको रख देते हैं साइड में, अब बनाएंगे हम बाटी। ये ले लिया मैंने मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग गेहूं का आटा, और इसमें डाल दिया मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन। बेसन के बाद डाल दिया 1 चम्मच नमक। 2 चुटकी के करीब इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, उससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच के करीब डाल दिया अजवाइन। अजवाइन के बाद डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब देसी घी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना, हमने मिक्स कर लिया, अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट सा आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। हल्दी इसलिए डाली फ्रेंड क्योंकि हमारी बाटियों का कलर बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से मैंने ये क्या किया, आटा लगा लिया है। टाइट लगाना, ढीला बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि बाटी बनेगी ना तो टाइट आटे की बाटी बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगी। देखो कितनी प्यारी बाटी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, गैस पर रखेंगे ओवन। ओवन गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हम बाटियों को लगा देंगे। ये मैंने बाटियाँ लगा दी है, अब इसको ढक्कन को बंद कर देंगे हम, और 10 मिनट के बाद फिर से इसको खोलेंगे। अब क्या करना, हम बाल्टियों को इस तरीके से पलट देते हैं। एक तरफ से पलट दिया फ्रेंड, अब क्या करेंगे फिर से हम इसको ढक्कन को लगाएंगे और फिर से हम देखेंगे। देखो हमारी बाटियाँ बिल्कुल एकदम सिक्के एकदम रेडी हो चुकी है, फूटना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये लिया मैंने देसी घी। देसी घी में इस तरीके से बाटियों को फोड़ फोड़ के डालते जाएंगे। तो क्या होता है फ्रेंड, इस तरीके से बाटी बनाते हैं ना तो बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो अब दोस्तों ये मैंने बाटी बना ली है, अब मैं आप सभी को सर्व करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड अगर आप सभी को मेरी ये राजस्थान की स्पेशल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलती हूँ आप सभी को।